हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पे। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट लेआउट क्या होता है, और प्लांट लेआउट चुनने से पहले, चूज़ करने से पहले हम लोगों को क्या क्या मीन्स देखना चाहिए, क्या क्या कंसर्न करना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। तो ऐसा नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी फ्लोर स्पेस अवेलेबल है उसको हम लोगों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। हम लोगों मीन्स प्लांट लेआउट, जहाँ भी हम लोगों ने प्लांट अपना स्टेबलाइज किया है, तो जो भी अवेलेबल फ्लोर स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। मीन्स जो उसका जो मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो करना है। ये होता है ऑब्जेक्टिव प्लांट लेआउट का। सेकेंड क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीन्स कम प्राइस में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना विद द गुड क्वालिटी। तो ऑब्जेक्टिव होता है ये प्लांट लेआउट का कि वो सेम चीज़ दे, मीन्स कम प्राइस में और बेटर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी। ये होता है ऑब्जेक्टिव प्लांट लेआउट का। थर्ड क्या है, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मीन्स जो भी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल्स, हमारी मशीन्स, हमारे इक्विपमेंट, ये सब जो है इसका जो कॉस्ट है वो हैंडलिंग का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी कॉस्ट होने वाले हैं मशीन के, इक्विपमेंट के, रॉ मटेरियल के, वो सब रीजनेबल हो, अफोर्डेबल हो, ज़्यादा कॉस्ट मैक्सिमाइज ना हो उसका। क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा तो उसका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट का, तो फिर मार्केट में आप एक प्राइस लीडर तो नहीं बन सकते हो। ओके, तो फोर्थ क्या है, रिड्यूस एक्सीडेंट। रिड्यूस एक्सीडेंट इन द सेंस कि यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट को पहुँचाने में एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट मीन्स लाइक बर्बादी ना हो, वेस्टेज ना हो किसी भी प्रोडक्ट का। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक हमें एक प्रोडक्ट को पहुँचाना है, तो हम लोगों का जो वो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो थोड़ा से भी। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट का कि जो एक्सीडेंट होता है, वेस्टेज होता है, उसको रिड्यूस करता है। फिफ्थ क्या है, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अगर हम लोगों का एक प्रोडक्शन का एक कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। एक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। वो कैसे चलेगा, जब प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जब प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी ना चलेगा वो, नहीं तो वो तो बंद हो जाएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट का कि वो बेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाए। जो अगर ये काम नहीं हो रहा है तो दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट का काम कर लेते हैं। तो सिक्स क्या है, प्रोवाइड इजी सुपरविजन एंड कंट्रोल। मींस इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या क्या बताना चाहता है ये। मींस सुपरविजन मींस मॉनिटर करना, देखना लोगों को कि कैसा चल रहा है, और कंट्रोल मीन्स रेगुलेट करना, लाइक देखना, नियंत्रण करना कि सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑब्जेक्टिव होता है ये प्लांट लेआउट का कि सभी चीज़ कैसा चल रहा है उसको देखना। फिर सेवन्थ क्या है, रिड्यूस मटेरियल। ओके सॉरी ये तो ऊपर में था, इसको स्किप करते हैं। एट क्या है, अलाउ ईजी मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्लांट। मीन्स जो भी मशीन और प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो ईजी हो, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज ना हो, वो आराम से हो, जिससे हम लोगों को मीन्स ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े मशीन के मेंटेनेंस में या प्लांट के मेंटेनेंस में। फिर नाइन्थ क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी मीन्स ये क्या बताना चाहते हैं इसमें, मीन्स प्लांट लेआउट, जहाँ भी हम लोग प्लांट लेआउट इस्टेब्लिश कर चुके हैं तो प्लांट लेआउट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रोवाइड करे एम्प्लॉय सेफ्टी। लाइक अगर इन द केस कभी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड के छोटे छोटे होते हैं ना वो गैस वाले, वो सब अवेलेबल होने चाहिए जिससे एम्प्लॉय बच सके। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आग लग गई, कुछ आग को बुझाने का कुछ उपाय ही नहीं, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एम्प्लॉय की सेफ्टी को भी मीन्स उसमें कंसर्न रहना चाहिए। ये होता है ऑब्जेक्टिव प्लांट लेआउट का। फिर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मीन्स कम प्राइस में ज़्यादा प्रोडक्शन करना विद द राइट क्वालिटी। ये होता है प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रोडक्टिविटी, इसी का इम्प्रूव करते रहना, यही होता है ऑब्जेक्टिव प्लांट लेआउट का। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर
नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट करें, और थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।